जितनी वीडियो मैंने देखी उनमें सब लोग इस फोन की तारीफ ही करे जा रहे हैं। अब वो खुद से कर रहे हैं या उनसे कराई जा रही है ये मुझे नहीं पता। और ये सबसे सस्ता अफोर्डेबल 5G फोन है, नो डाउट। लेकिन हर फोन की तरह इस फोन में भी कुछ कमियां हैं। अब शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ये फोन परचेज करा है जिनमें से करीब 80% लोगों ने इस फोन की तारीफ करी है, लेकिन जो 20% लोग हैं उन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम बताई। कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी हर फोन में होती है। प्रॉब्लम तब होती है कि तुम उस कमी के बारे में बात ना करके बाकी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैक और आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं इस फोन के अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं और जितने भी कंफ्यूजन आपको हो रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके सारे वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। फोन के बारे में जानने से पहले अपन देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो ये कुछ इस तरह का एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको टाइप सी केबल और एक 20 वॉट का चार्जर आपको यहां मिल जाता है, एंड इसमें आपको सिम इजेक्टर पिन भी मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम कीज एंड पावर कीज मिल जाती है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट मिल जाता है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि आप एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस पे आपकी सबसे ज्यादा नजर रहेगी, यानी कि डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। बाकी कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी इसके अंदर आपको 5000 mAh मिल जाती है जो कि टर्बो चार्ज सपोर्ट करती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में मतलब बहुत है। इसके साथ आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डॉल्बी ऑटोमोस के स्पीकर दिए हुए हैं। अब इसके दो वेरिएंट आते हैं, 4/128 वाला 11000 का और 8/128 वाला 12000 का। और अगर आप एक्सचेंज करते हैं फ्लिपकार्ट से तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर आप कोई अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो उसकी फोन की जो रेट लगेगी वो अलग है और 1000 रुपए का डिस्काउंट ये खुद देंगे फ्लिपकार्ट वाले। बाकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग डिस्काउंट है, जाके आप खुद चेक कर सकते हो। ये थे इस फोन के कंप्लीट फीचर। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि ऑब्वियसली डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसका प्रोसेसर है 695, मतलब जैसे कि एम्बेसडर में फरारी का इंजन फिट कर दिया हो। तो अगर तुम इसके डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो देन तुम इसे बाय कर सकते हो। अब शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जिन लोगों ने ये फोन परचेज करा है उन लोगों ने रिव्यूज दिए हैं जो कि करीब 7500 लोग हैं, जिनमें से करीब 80% लोगों ने इस फोन की तारीफ करी है, लेकिन जो 20% लोग हैं उन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम बताई है वो जो फेस कर रहे हैं इस फोन को लेने के बाद। तो ये कमेंट है गुलफाम अली भाई का, जिन्होंने लिखा है, इफ यू वांट टू चूज 5G अंडर 12K जस्ट गो फॉर इट, समहाउ हीटिंग प्रॉब्लम आई हैव सीन रेस्ट ऑफ ऑल परफेक्ट। अमन विजय ने लिखा है, बैटरी परफॉर्मेंस मस्ट हैव टू इंक्रीज, प्लीज फिक्स इट, ओनली डाउनसाइड इज द फोन बैटरी इज ड्रेनिंग क्विकली मे बी बिकॉज ऑफ 5G यूजेस। अब मैं सारे रिव्यूज तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जितने भी इसमें कमेंट थे उनमें से मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम यही थी कि इसमें हीटिंग का इशू है, यानी कि 5G यूजेस की वजह से इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। सेकंड थॉट, अभी अगर आप अपनी मम्मी या पापा के लिए ले रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इससे बढ़िया फोन अगर आप ढूंढने वाले हो तो वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फोन ही बना है नॉर्मल यूज के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हो, हैवी यूजर हो, तो आपके लिए फोन नहीं है। अगर आप कोई मूवीज वेब सीरीज देखते हो तो आपको वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, और अगर आप इसमें हैवी गेम्स खेलते हो तो इसकी बैटरी ऑब्वियसली बहुत जल्दी ड्रेन होती है और बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यू आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आजकल व्हाट्सएप पे लोगों को कैसे ठगा जा रहा है वो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।